अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अखंड मंथन कलिपुरुष यानी जिससे हुआ कलयुग का निर्माण तो इसी कलयुग के कली पुरुष पर आधारित इस विशेष वेब सीरीज के पांचवें एपिसोड में आज देखिए कि किस प्रकार से अभी भगवान विष्णु के शरीर के अंदर हो रहा है चार युगों के सबसे बड़े असुर यानी कली पुरुष का निर्माण आखिर उसके निर्माण के बाद भगवान का अगला निर्णय क्या होगा कली पुरुष की शक्ति कितनी अधिक होगी ऐसे तमाम विषयों पर आधारित है हमारा आज का पांचवा एपिसोड जैसा कि हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि कैसे भगवान के पांच चक्रों के खुलते ही कली अपनी पूरी शक्ति के साथ शरीर रूप में बाहर आ जाएगा संसार के सामने वर्तमान समय को देखते हुए ये कहा नहीं जा सकता कि भगवान के ये पांचों चक्र पूरी तरह खुल गए हैं किंतु इतना तो अवश्य कि भगवान के पांचों चक्र अभी आंशिक रूप में खुल रहे हैं हमने पिछले एपिसोड में आपको ये भी बताया था कि शरीर के पृष्ठ भाग में सात चक्र हैं इनमें से पांच चक्र पांच प्रकृति का प्रतीक हैं जबकि दो चक्र सीधे भगवान से जुड़े हैं इन्हीं पांच तत्वों से हमारा शरीर बनता है और ईश्वर से आत्मा के मिलन के लिए इन पांच चक्रों को भेद कर ही भगवान तक पहुँचा जा सकता है तो आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि कली पुरुष जो है वो किस प्रकार का स्वरूप धारण करने जा रहा है तो जिस कली पुरुष के एक तरह से ध्यान मात्र से ही हम भयभीत हो रहे हैं आप क्या नहीं जानना चाहेंगे कि वह कली पुरुष किस प्रकार के लाभ हमें पहुंचा रहा है जी हाँ कली पुरुष सिर्फ हमें भयभीत ही नहीं कर रहा है बल्कि अनेक प्रकार के लाभ भी हमें पहुंचा रहा है ये लाभ आध्यात्मिक क्षेत्र से लेकर सांसारिक क्षेत्र तक भी हो सकता है ऐसा कहा जा रहा है कि भगवान ने अभी अपने पाँचों चक्रों को पूरी तरह से खोला नहीं है और जब भगवान अपना आज्ञा चक्र खोलेंगे यानी छठा चक्र खोलेंगे तो उसके बाद ही कलिपुरुष की रहस्यमयी लीला के दर्शन होंगे तो ऐसा मत समझें कि कली पुरुष सिर्फ विनाश करने के लिए ही आ रहा है आप चाहें तो उसकी शक्ति प्राप्त करके भगवान तक भी पहुंच सकते हैं ऐसा भी कहा जा रहा है कि कल की भगवान के शरीर का भी निर्माण हो चुका है लेकिन कल की भगवान अभी अपनी ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं इसके पीछे कारण यह है कि भगवान का आज्ञा चक्र अभी जागृत नहीं हो सका है आज्ञा चक्र वह चक्र है जिसे हम भविष्य देखने की क्षमता प्राप्त करते हैं किंतु तो जैसा हमने आपको बताया कि भगवान का आज्ञा चक्र जागृत ना होने के कारण अभी भी वे अपनी अनंत शक्ति का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। जहां तक कली के शरीर के निर्माण की बात है तो जब हमारे पांच तत्वों का पूरा प्रभाव आठ अरब लोगों की जनसंख्या पर सीधे पड़ने लगेगा तब समझिए कि कल्की के शरीर के का निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है कहने का अर्थ यह है कि जब संसार के अस्सी प्रतिशत लोगों के अंदर कली पुरुष के अवगुणों का प्रसार हो जाए तब समझिए कि कली पुरुष के शरीर का भी निर्माण अपने अंतिम चरण पर है अभी हमारे मस्तिष्क में जो ज्ञान है वह झूठा है एवं काल्पनिक ज्ञान है क्योंकि इस ज्ञान की सहायता से हम परम तत्व तक नहीं पहुंच सकते हैं क्योंकि हमारे शरीर के पांच तत्वों का ज्ञान ही हमारे मस्तिष्क में समाया हुआ है लेकिन जब हम आज्ञा चक्र तक पहुंचेंगे, तब हमारी आत्मा जागृत होगी और ये चेतना के इस स्तर पर हम इन पांच तत्वों को ये आज्ञा दे सकेंगे कि ये पांच तत्व हमारे लिए कौन कौन से कार्य करें या फिर कौन सा कार्य करना हमारे लिए उचित होगा अभी मानव मस्तिष्क की जो पहुँच है उसकी पहुँच जो है भौतिक वस्तुओं के आविष्कार और निर्माण तक ही सीमित है किंतु आज्ञा चक्र के खुलने के बाद वह प्रकृति की शक्ति के सीधे संपर्क में आ जाएगा और तब वह प्रकृति की अनंत शक्ति से कार्य करना आरंभ कर देगा धीरे धीरे जैसे जैसे आज्ञा चक्र अपनी परम अवस्था में पहुंचेगा तब हमारी चेतना ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ जाएगी जब हम ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ते हुए सहस्त्रार्थ तक पहुंचते हैं तो फिर अंतरिक्ष की शक्ति से भी जुड़ जाते हैं यही परम शून्य की अवस्था है जो सभी मनुष्यों को प्राप्त होती है किंतु ऐसा होता है कई कई हजार जन्मों के बाद अभी जब भी कोई साधक साधना आरंभ करता है तो उसकी शक्ति मूलाधार से होते हुए ऊपर की ओर उठती है और जितने चक्र खुलते जाते हैं उतनी चेतना की ऊर्जा उतने चक्रों को पार करते हुए ऊर्ध अवस्था तक पहुंचती है लेकिन यह जो ऊर्जा है वो नीचे से ऊपर तक जाएगी अवश्य लेकिन जब साधना करते हैं जब ध्यान लगाते हैं तो एनर्जी ऊपर तक जाती है जब कोई भी साधक अपनी साधना आरंभ करता है तो उसकी शक्ति मूलाधार से ऊपर की ओर उठती है और जितने चक्र खुलते जाते हैं हमारी चेतना की ऊर्जा उतने चक्रों को पार करते हुए ऊर्ध अवस्था तक पहुंच जाती है लेकिन जो ऊर्जा है वो नीचे से ऊपर तक जाएगी अवश्य लेकिन जब हम साधना करते हैं ध्यान लगाते हैं और तभी हमारी ये ऊर्जा जो है ऊपर तक उठने लगती है अब मान लीजिए आप अपने हृदय चक्र पर ध्यान लगा रहे हैं तो हृदय चक्र की जो ऊर्जा है वो नीचे से तो उठेगी लेकिन कंठ चक्र तक नहीं जा पाएगी वो हृदय चक्र पे ही अटक जाएगी क्योंकि हमारा जो मन है वो हृदय में अटक गया है अतः हम जितनी भी ऊर्जा जो भी ऊर्जा हमारे शरीर में नीचे से ऊपर की ओर उठेगी वो हृदय चक्र तक जा कर के अटक जाएगी क्योंकि हम इसी स्थान पर फंस जाते हैं हृदय भावनाओं का संगम है और इस चक्र तक आकर फंसने का अर्थ ये है कि हम भावनाओं के दलदल में फंस जाते हैं इस चक्र तक आते आते यदि हम योग के द्वारा थोड़ा भी वैभव और प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो हम अपना सारा समय चमत्कार को करने में लगा देते हैं और अधिक से अधिक लोग हमारे पास आए हमारी इस बात का प्रयास रहता है और इसके बाद हम अपनी इसी ऊर्जा का प्रयोग अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए करना आरंभ कर देते हैं लोगों से धनराशि लेना आरंभ कर देते हैं और भौतिक जीवन में हम पूरी तरह से रम जाते हैं वास्तव में यही धन की माया ही भगवान की मायावी शक्ति है जो उन तक पहुंचने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है मनुष्य इसी हृदय चक्र में फंसकर अपने आगे के रास्ते को अवरुद्ध कर लेता है योग साधकों के अनुसार वर्तमान समय में कली पुरुष भी शरीर के रूप में जन्म ले चुका है उसके शरीर को अभी समुद्र के भीतर रखा गया है ठीक वैसे ही जैसे जन्म से पहले एक बच्चा माता के गर्भ के जल में तैरता रहता है वैसा ही हाल कली पुरुष का भी है लेकिन कली अभी शरीर रूप में वास्तविक रूप में कहाँ छुपा हुआ है ये कोई नहीं जानता हाँ इतना अवश्य है कि अभी वो धरती के उस भाग में है जहाँ जल ही जल है श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान ने संसार और सृष्टि के सभी रहस्य अर्जुन को नहीं बताए हैं भविष्य मालिका के किसी सहायक ग्रंथ में हमने ये पढ़ा कि कली पुरुष का जन्म चीन देश में हो चुका है और इसी के साथ महाभारत काल के सभी योद्धा भी कलयुग में अवतरित हो चुके हैं इसी के साथ अश्वत्थामा भी चीन देश में है और भारत पर आक्रमण के समय वह पहले चीन की ओर से युद्ध करेगा और बाद में वह कल्कि भगवान के द्वारा जागृत किया जाएगा और फिर वह भारत के पक्ष में भारत की रक्षा के लिए युद्ध करना आरंभ कर देगा जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि भारतीय पौराणिक ग्रंथों में सात चिरंजीवों की कथा मिलती है ये सात सभी चिरंजीवी आज भी जीवित हैं और हिमालय की एक रहस्यमय गुफा में तपस्या कर रहे हैं जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि सतयुग काल से ही कलिपुरुष के शरीर का निर्माण हो रहा है और वह कलयुग आते आते इतना शक्तिशाली हो गया है कि भगवान के अलावा कोई उसे परास्त कर ही नहीं सकता कलिपुरुष की शक्ति इतनी असीमित हो चुकी है कि कल की भगवान उसका वध अकेले नहीं कर पाएंगे कली पुरुष को मारने के लिए भगवान को सप्त चिरंजीवी की सहायता भी लेनी होगी इसी समय भगवान कलकी को रुद्र शक्ति धारण करनी होगी और वे ग्यारह रुद्र शक्ति को धारण कर लेंगे इसी के साथ भगवान कलकी को ग्यारह रुद्र शक्ति को भी धारण करना होगा क्योंकि बिना ग्यारह रुद्र शक्ति के कली पुरुष पर विजय प्राप्त करना असंभव होगा इस श्रृंखला में भगवान जब तक ग्यारहवीं रुद्र शक्ति धारण नहीं कर लेते तब तक कली पुरुष को मारना असंभव होगा अतः भगवान कलकी के ग्यारहवीं रुद्र शक्ति धारण करने का महारहस्यमय कार्य अभी चल रहा है कली पुरुष को मारने के लिए भगवान को माता वैष्णवी की सहायता लेनी होगी क्योंकि बिना उनकी शक्ति के कली पर विजय की प्राप्ति नहीं हो पाएगी माता वैष्णव देवी का संबंध भगवान श्रीराम के त्रेता युग से है चूंकि कली के अंदर अमृत और विष दोनों की शक्ति है अतः भगवान विष्णु यानी कल की भगवान कली पुरुष के अंदर का अमृत सुखाना चाहते हैं और दूसरी ओर माता वैष्णवी इस कली पुरुष के अंदर से विष की शक्ति खींचेंगी कहा जा रहा है कि जब माँ वैष्णवी देवी कलयुग में अवतरित नहीं होंगी जब तक तब तक कली पुरुष का विनाश करना असंभव हो जाएगा तो माँ वैष्णवी का विवाह भगवान कलकी से इसलिए होगा क्योंकि इसी के बाद माँ वैष्णवी की शक्ति के लिए ही भगवान श्री कृष्ण का उनसे विवाह करना होगा अब आपको एक बार पुनः बताते हैं कि अभी कली पुरुष कहाँ निवास कर रहा है तो वर्तमान समय में कली पुरुष लोगों की बुद्धि को भ्रष्ट करने का कार्य कर रहा है बुद्धि के भ्रष्ट होते ही मानव द्वारा जनसंहार का कार्य आरंभ कर दिया जाता है तो दर्शकों कली पुरुष वेब सीरीज के सीजन एक के पांचवें और अंतिम एपिसोड में आप देख रहे थे कली पुरुष से संबंधित ये विशेष जानकारी जैसे कि हमने आपको बताया है कि कली पुरुष जब संसार के 80 प्रतिशत लोगों के मस्तिष्क को एक तरह से हैक कर लेगा तो उसी समय जो है कली पुरुष के शरीर का भी निर्माण हो जाएगा तो आज के एपिसोड में बस इतना ही यदि आपको हमारा चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यदि आप अखंड मंथन की इस धारा को संरक्षित करना चाहते हैं और चाहते हैं कि अखंड मंथन अखंडित हुए बिना अपना कार्य करता रहे तो आप इसे हमें एक छोटा सा सहयोग प्रदान कर सकते हैं आप हमारे होम पेज पर ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप अखंड मंथन के संरक्षक सदस्य बन सकते हैं धन्यवाद नमस्कार